नमस्कार। शिवसेना के उद्धव ठाकरे का दोहरा चरित्र तो आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पे देखा कि उनको तो ये पता नहीं होता है कि शिवसेना उसका सपोर्ट क्यों कर रही है और क्यों उसका विरोध कर रही है। लोकसभा में जो वोटिंग हुई तो उस समय शिवसेना के सांसदों ने उद्धव ठाकरे को करारा तमाचा देते हुए बिल के सपोर्ट में समर्थन दिया। वहीं अब राज्यसभा में वो उसके अगेंस्ट वोट देंगे या उसके पार्टी के जो सांसद हैं वो बगावत करके बीजेपी में शामिल होंगे, ये तो वोटिंग से पता चलेगा। लेकिन जो अभी शिवसेना पर करारा हमला किया है देवेंद्र फडणवीस ने, उन्होंने कहा है कि शिवसेना का जो स्टैंड है, पहले लोकसभा में सपोर्ट करती है, राज्यसभा में कुछ और, तो वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कांग्रेस के प्रेशर में है। तो उद्धव ठाकरे को न हिंदू बड़ा है न देश बड़ा है, उनके लिए सिर्फ कुर्सी का लालच बड़ा है। वो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो बोलते थे कि हम तो महाराष्ट्र के लिए ही कुछ हम साथ आए हैं और हम यहाँ पे लोगों के लिए काम करने आए हैं, ठाकरे का सपना है कि एक शिवसैनिक मुख्यमंत्री बने, लेकिन सोनिया गांधी के आगे ऐसे झुक गए हैं और उनके मातोश्री से माताश्री के आगे ऐसे नतमस्तक हो गए कि उन्होंने अब हिंदुओं को भुलाकर अब वो सेकुलर हो गए हैं। और उद्धव ठाकरे की ये इतनी बड़ी गलती होगी, इतिहास में उनको कभी माफ़ नहीं किया जाएगा कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे रंग बदल रहे हैं, गर्गिट भी उनसे शर्मा जाए। लोकसभा वोटिंग से पहले वो किस तरीके थे, अब किस तरीके के होंगे, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है उस पर ही उनके 10 से 100 कलर दिखाई दे रहे हैं। जब उन पर कांग्रेस का दबाव नहीं था तो वो लोकसभा में वोट करते हैं बिल के सपोर्ट में, जैसे ही राहुल गांधी उन पर वार करते हैं और कांग्रेस का एक मैसेज चला जाता है, कांग्रेस के नेता उनको ज्ञान देने के लिए और उनको ये मैसेज देने के लिए चले जाते हैं कि आप अपनी सीमा में रखें क्योंकि आप हमारे रोबोट हैं, आप मत भूलें कि हम कभी भी आपको गिरा सकते हैं और आपकी सरकार टिकेगी नहीं। इसी वजह से अब उद्धव ठाकरे मझधार में फंसे हुए हैं और पार्टी दोफाड़ होने की कगार पर आ पहुंची है, क्योंकि जो सांसद और जो नेता कार्यकर्ता ये समझते थे कि शायद उद्धव ठाकरे हिंदुत्व का मुद्दा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि हम हिंदुत्व का मुद्दा कभी नहीं छोड़ेंगे, वो हमारा मुद्दा रहेगा, हम ये रहेंगे, लेकिन एक हफ्ते में ही सीएबी यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में उनका एक कलर दिखाई दिया है। तो अब उद्धव ठाकरे का क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वो अपनी पार्टी की जो छवि है उसको पूरी तरह से बेनकाब कर रहे हैं। शायद ही इतना नुकसान शिवसेना को आज तक किसी ने पहुंचाया होगा। एक तरफ अरविंद सावंत ये कहते हैं कि हम राष्ट्रहित में बिल का सपोर्ट करते हैं, लेकिन वहीं कुर्सी के हित में उद्धव ठाकरे बिल के विरोध में चले जाते हैं। न तो वो ये जानते हैं कि बिल क्या है और जो कांग्रेस या सोनिया गांधी बोले वही सही है, क्योंकि अब वो सोनिया के गुलाम बन चुके हैं। तो इस तरीके से उद्धव ठाकरे को कुर्सी बहुत प्यारी नज़र आ रही है, क्योंकि जो कुर्सी में बैठे हैं अगर सोनिया माता उनसे नाराज़ हो गई तो कभी भी उनसे चेयर खींच सकती है और उद्धव ठाकरे को दिन में तारे नज़र आ जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवसेना पार्टी के बड़े नेता थे और शिवसेना की तरफ से जो मुख्यमंत्री रहे और लोकसभा के स्पीकर भी रहे मनोहर जोशी, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी और शिवसेना को साथ आना चाहिए और साथ सरकार बनानी चाहिए और इस तरीके से। तो क्या उद्धव ठाकरे सिटीजनशिप बिल अमेंडमेंट को फिर से सपोर्ट करेंगे या उसका अगेंस्ट में वोट करेंगे? अगर अगेंस्ट में वो वोट करते हैं तो शायद उनकी पार्टी का अंत हो जाएगा। पार्टी का अंत हो न हो, लेकिन उद्धव ठाकरे का राजनीतिक करियर ख़त्म हो जाएगा। उनका शायद एक सपना था कि वो मुख्यमंत्री की चेयर पर बैठ जाएं और पूर्व मुख्यमंत्री का टैग उन पर मिल जाए। इस वजह से वो न तो देश देख रहे हैं, न तो हिंदुओं को देख रहे हैं, न तो समाज देख रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ कुर्सी का लालच उनको लगा हुआ है। इस वजह से इस तरीके की बयानबाजी और इस तरीके का गिरगिट की तरह रंग बदलना उद्धव ठाकरे के लिए
ये सही नहीं रहेगा। उद्धव ठाकरे जितना जल्दी हो अपना स्टैंड देश के लिए और बिल के सपोर्ट में करते तो शायद उनके लिए फायदेमंद होता, लेकिन अब उनकी पार्टी ही इस पर बगावत कर रही है, सांसद कुछ और कह रहे हैं और राज्यसभा में क्या होगा वो भी अलग देखा जाएगा। लेकिन आने वाले दिनों में इसके लिए शिवसेना उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो इस बात के लिए करारा हमला कर ही दिया है। तो उद्धव ठाकरे पूरी तरह से फंस चुके हैं, जो ये अपने आप को बड़े 30 मार खां समझ रहे थे, अब वो भीगी बिल्ली बनकर सोनिया के आगे म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। तो शिवसेना जो गलती कर रही है उसका यही रिजल्ट निकलेगा कि शायद महाराष्ट्र की राजनीति में उनको कभी एक पार्टी के तौर पर उभरना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके का छलावा शायद न तो शिवसैनिक जो बाला साहब ठाकरे के समर्थक रहे वो उन्होंने सोचा होगा, न इस तरीके का कि वो तुरंत ही पूरे एंटी हिंदू लाइन पर खड़े हो जाएं, जो पाकिस्तान बोल रहा है, जो ओएसी बोल रहा है, ओएसी की तरह ही वो खड़े हो जाएं, क्योंकि जो ओएसी चाहता है, ओएसी ये कह रहा है कि वो भांगड़ा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब भांगड़ा पॉलिटिक्स तो करेंगे ही, जब दो नावों में सवार होंगे कभी इधर और कभी उधर, तो ये भांगड़ा शायद उद्धव ठाकरे की सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। और अब आप समझ सकते हैं कि ये देश की राजनीति का कितनी दुर्दशा है कि जो प्योर हिंदुत्व, मतलब जो कट्टर हिंदुत्व के नाम पे पार्टी बनी थी, जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करती थी, जो सेकुलर शब्द का विरोध करती थी, जो मुस्लिमों के वोटर के राइट के विरोध करती थी, वो आज ये कह रही है कि इस बिल से बांटा जा रहा है देश को और तमाम इस तरीके के। ये सिर्फ और सिर्फ शिवसेना की जो उद्धव ठाकरे की कुर्सी का लालच है वो दिखा रहा है। और अमित शाह ने ये तो कांग्रेस को ही करारा हमला किया था लोकसभा में, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अनोखी पार्टी है कि जो केरल में मुस्लिम लीग से गठबंधन में है और महाराष्ट्र में शिवसेना से गठबंधन में है। तो आप लगा सकते हैं कि कांग्रेस और शिवसेना का ये जो बेमेल गठबंधन है वो कुछ दिनों का है और तमाम एक महीने भी नहीं हुई, अभी मंत्रालय बटे भी नहीं है और इस तरीके का ड्रामा शुरू हो गया है, तो ये इसका अंत निश्चित है, क्योंकि एक नाथ खड़से ने भी शिवसेना को करारा झटका दे दिया है। और एक नाथ खड़से जो बीजेपी के नेता हैं वो उद्धव ठाकरे से मिलते हैं, उनसे सवाल किया जाता है कि क्या आप शिवसेना में शामिल हो रहे हैं, तो उन्होंने सरासर मना कर दिया और उन्होंने कहा है कि मैं 2-3 नेताओं से नाराज हूं, पता नहीं कौन नेता हैं, शायद वो अपने पार्टी में कुछ अपना पद चाहते होंगे, इस वजह से कुछ नाराज़गी होगी, लेकिन उन्होंने कहा है मैं बीजेपी नहीं छोड़ रहा हूं और ना ही मैं शिवसेना ज्वाइन कर रहा हूं। तो ये उद्धव ठाकरे के लिए भी झटका है और संजय राउत के लिए बहुत बड़ा झटका है। संजय राउत कहीं और किस सपने में देख रहे हैं, जो सोच रहे थे कि वो कल दिल्ली पर राज करेंगे, लेकिन अब वो दिल्ली क्या वो अपने म्यूनिसिपलिटी कॉरपोरेशन में भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि बीएमसी का चुनाव आने वाला है और जो चुनाव होगा जिस तरीके से कर्नाटक में बीजेपी का प्रचंड जीत हुआ, कांग्रेस और जेडीएस को करारा तमाचा पड़ा, वैसा ही तमाचा शिवसेना और कांग्रेस को पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये गलती की है, पब्लिक के मैंडेट को के साथ धोखा किया है। तो उद्धव ठाकरे जो गलतियां कर रहे हैं शायद बाला साहब ठाकरे ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरी पार्टी जो मेरे सिद्धांतों पर, जो हिंदुत्व के विचारधारा पर चलती थी, आज वो शिवसेना के वही पार्टी शिवसेना आज सोनिया के कदमों में पड़ी हुई है। और जहां सोनिया का जो आदेश होता है उसका वो अंतिम आदेश होता है, यानी कि जो सोनिया का पूरा गुलामी की तरह उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, क्योंकि पहले शिवसेना लोकसभा में सपोर्ट करती है, राज्यसभा में उनका कलर कुछ और हो जाता है। तो अब देखते हैं कि शिवसेना कितने दिनों तक इतने राजनीति के अलग अलग कलर दिखाती है और अंत में शिवसेना को ही बड़ा नुकसान होगा।
लेकिन उद्धव ठाकरे को अपने शिवसेना के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी की बातों को सुनना चाहिए कि फिर से बीजेपी के साथ आना चाहिए उन्हें, अगर नहीं आएंगे तो उनका ही नुकसान है। जय हिंद, जय भारत।